नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हम एक साथ सब्जियाँ ले आते हैं तो उसको मैं किस तरह से प्रिजर्व करती हूँ। इसमें अचार की एक रेसिपी दिखाऊंगी, एक आपको करेले की सब्जी की रेसिपी दिखाऊंगी और इस तरीके की गोभी वगैरह के भी मैं डंठल काट के रखती हूँ तो फ्रिज में काफ़ी कम जगह घेरते हैं, और उसके बाद इन सब्जियों को मैं किस तरह से प्रिजर्व कर रही हूँ साथ साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अदरक, अदरक को अच्छे से धोया, छीला और फिर उसके पीसीस काट के रख लिए। अदरक में जहां इस तरीके के काले निशान हैं, इन हिस्सों को मैंने फेंक दिया है। इतने छोटे पीसेस काटने पर आराम से इसमें पिस जाते हैं, और अगर ज़रूरत है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर रही हूँ, और बारीक करना है तो इससे बारीक भी कर सकती हूँ। पिसे अदरक को मैं आइस ट्रे में जमा रही हूँ ताकि छोटी क्यूब्स जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से मैं ले लूँ, और इसमें लगे हुए अदरक को भी मैं उसमें अभी सेट कर दूँगी। इसके साथ ही अब इसके छिलकों को भी नहीं फेंकूँगी, इसको मैंने एक अलग जार में भर के रख दिया, और इसको जब मैं चाय बनाऊँगी या कोई काढ़ा बनाना हो तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। और उसके बाद अदरक को फ्रिजर में रखूँगी। छिलकों को फ्रिज में रखने से भी मेरा काम चल जाएगा और जब ज़रूरत होगी मैं उनको यूज़ कर सकती हूँ। हरी मिर्च जब आती हैं तो कुछ तो यूज़ हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से बाहर रखने पर सूख जाती हैं, लेकिन मैंने इस बार हरी मिर्च के डंठल अलग कर दिए हैं। जो लाल हो रही थी या फिर कुछ जो मुझे अभी यूज़ करनी है वो मैंने बाहर रहने दी है, बाकी को मैं पीस रही हूँ। ज़्यादा बारीक पीसने के लिए थोड़ा सा पानी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अच्छा पेस्ट बन जाता है। और उसके बाद मैं इनको एग ट्रे में सेट कर रही हूँ। ये साइज़ भी बड़ा यूनिक होता है, दो लोग या एक छोटी फैमिली के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। उसके बाद मैंने इन सबको फ्रिजर में सेट कर दिया है। अब देखते हैं कि मैं आगे कौन सी चीज़ प्रिजर्व कर रही हूँ। ये जार में मैंने हरी मिर्च के साथ थोड़ा सा धनिया डाल दिया, थोड़ा पानी मिक्स करके इसको चटनी के मटेरियल के लिए पीस रही हूँ। जब भी ज़रूरत होगी मैं इसमें से अपने हिसाब से क्यूब्स निकालूंगी और उसमें मसाले मिक्स करके नींबू डाल के चटनी तैयार हो जाएगी। अब ये बाकी बची हुई चटनी को भी मैंने इस कंटेनर में भर दिया, ये रेडीमेड खाने के साथ चटनी वाला ही कंटेनर था। अब ये सब चीज़ें फ्रिजर में रख दूंगी और कुछ घंटों में ही ये जम जाती हैं, और उसके बाद आप देखिए कि इनको मैं किस तरीके से प्रिजर्व करूँगी ताकि इतना स्पेस फ्रिजर में हमें ना भरना पड़े। हरी मिर्च के जो मैंने डंठल निकाले थे ये डंठल अभी फ्रेश वाले हैं, और इसके साथ ही मैंने काफ़ी दिन पहले हरी मिर्च से डंठल निकाल के रख लिए थे जो सूखकर इस तरीके के हो गए। कहा जाता है कि शुगर पेशेंट अगर 5-7 हरी मिर्चें पानी में उबालकर पिए तो उनको इससे फ़ायदा मिलता है। मिक्सी के जार में अब मैंने पालक जो मैंने उबाल के रखा था थोड़े पानी के साथ उसको भी पीस लिया, और डंठल सहित मैंने उबाला है क्योंकि जब मिक्सी का यूज़ कर रहे हैं तो डंठल भी उसमें पिस जाते हैं, और पानी इसीलिए डाला है कि डंठल का रेशा नीचे मिक्सी के ब्लेड को पकड़ लेता है, वो पानी डलने से नहीं उसमें इकट्ठा होता है।
और मैंने इस तरीके से काफ़ी सारे पालक को भी बहुत थोड़ा सा कर लिया, और चम्मच से इसको दबाना ज़रूरी है ताकि नीचे बबल्स ना रहें, ये एकदम सॉलिड फॉर्म में जम जाए। मेरा फ्रिजर थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने इसमें अपने किचन का बहुत सारा ड्राई मटेरियल इसमें रख रखा है, लेकिन आपके पास जितना स्पेस हो तो आप फ्रिजर को सिर्फ फ्रिजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैंने प्रिजर्व कर ली, और इनको अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि इनको और भी कम स्पेस में रखना हो तो किस तरीके से रख सकते हैं। फ्रिजर में थोड़ी और जगह निकल आए तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैं छोटे कंटेनर्स में डाल के रख रही हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकती हूँ। अब इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं फ्रेश मटर को लाकर उसके वो वाले मटर बना रही हूँ जो कि छोले भटूरे या छोले कुलचे वाले मटर होते हैं। तो मैंने इनको फलियों में ही रहने दिया, सबसे अच्छा तरीका है, और मेरे पास ये वॉशिंग एरिया है जहाँ पर मुझे जगह मिल गई कि हवा भी आ रही है और बर्ड्स भी अंदर नहीं आएंगी, तो मैंने इनको यहाँ खुला छोड़ दिया और बीच बीच में डेली एक बार इनको ऊपर नीचे कर देती हूँ ताकि सबको बराबर हवा मिल जाए और ये ख़राब ना हो। कुछ दिन सूखने के बाद ये इस तरीके के हो गए हैं, इनका रंग रूप थोड़ा सा ख़राब हो गया है लेकिन अंदर से दाने एकदम ठीक हैं, जो बाहर से ऐसे हो गए हैं ये भी अंदर से बिल्कुल ठीक हैं। अब करेले की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इनको 3 दिन भिगा के रखा है नमक में, रोज़ पानी फेंका और फिर ताज़ा नमक डाल दिया और फिर छोटे पीसीज में काट के इनको मैंने 3 दिन ही धूप में लगाया है, और उसके बाद ये इतने अच्छे सूख गए हैं। और फिर मैंने इनको एक जार में भर के और फ्रिज में रख दिया। अब जब चाहे मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, बस इस जार को जब फ्रिज में रखना है तो इसमें ढक्कन को पक्का बंद नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ रहने देना है। और अब देख लीजिए आप जल्दी से करेले की रेसिपी, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते हैं। मैं किसी दूसरी वीडियो में इसकी फुल रेसिपी आपके साथ शेयर कर लूँगी। गाजर मूली को प्रिजर्व करने के लिए मैंने इन गाजर मूली को 1 से 1.5 दिन की धूप दिखाई है, डिपेंड करता है, धूप अगर हल्की है तो थोड़ी ज़्यादा लगा दी जाए, तेज़ है तो कम में भी काम चल जाएगा, पता लग जाता है देख कर कि ये थोड़ा थोड़ा सूख गई है, इनका मॉइस्चर चला गया है। अब मैंने इसमें राई, अजवाइन, मेथी, जीरा, इस तरीके के मसाले और ये कुटी हुई काली मिर्च मिक्स की है, इनको बारीक पीस लिया, मैंने लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इतने बड़े कंटेनर से मैं इनको एक छोटे कंटेनर में डाल रही हूँ क्योंकि ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है, आप पूरी देखिएगा। पिसे हुए मसाले और अपने स्वाद अनुसार नमक डालकर 4 घंटे बाद मैंने इनको मिक्स कर दिया, और अब मैं चुकंदर के छोटे छोटे पीस काट रही हूँ इसमें ताकि जो मैंने लाल मिर्च नहीं डाली है तो इस अचार में रंग आ जाए। अब मैं इसमें सिरका मिलाऊंगी क्योंकि सिरके और राई का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है, और वो जो खटास है वो मुँह के स्वाद बढ़ाने के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इस तरीके से अब मैं इसको जार में भर रही हूँ, चाहें तो इस अचार को हाथों हाथ खा सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से जार में भरकर रख सकते हैं, और ये अचार अब तैयार है। मैंने अपनी लाई हुई सब्जियों को किस तरीके से प्रिजर्व किया है आपके साथ पूरी वीडियो शेयर की है, आप चाहें तो इन चीज़ों को अपनाएं, आपको बहुत आराम मिलेगा क्योंकि काफ़ी दिनों तक हमें फिर छीलने काटने और पीसने का झंझट नहीं रहता है, और जब चाहे फ्रिज में फ्रिजर में चीज़ें तैयार मिलती हैं। तो अब मैं टेस्ट कर रही हूँ अपना बनाया हुआ अचार और भरवा करेले, जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं।
तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलती हूँ किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।